राम राम प्यारे दर्शकों, हिंदुओं में कई सारे देवी देवताओं को पूजने का चलन है, लेकिन इनमें देवों के देव महादेव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो कभी सहारक तो कभी पालक होते हैं। वैसे तो भोले बाबा का स्वभाव बेहद ही शांत है, लेकिन अत्यंत क्रोधित हो जाने पर वे अपनी तीसरी आँख खोल देते हैं। उनकी तीसरी आँख का खुलने पर सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। अब सवाल यह आता है कि क्या उन्होंने कभी तीसरी आँख खोली थी? यदि हाँ तो फिर कब और कहाँ? तो आइए हम इन्हीं सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देख रहे हैं मोही बलंग और मेरा नाम है निशा भारती। आज हम आपको उस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ शिव जी ने ऐसा किया था। द लेट्स स्टार्ट। भगवान शिव को त्र्यंबकेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म के अन्य देवताओं के विपरीत उनके तीन आंखें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने इसे कितनी बार खोला है और विशेष रूप से किस कारण से उसे इसे खोलना पड़ा? ऐसा क्या कारण था? ये घटनाएं और उनसे जुड़ी संक्षिप्त कहानियां आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है इंद्र का प्रहार, जलंधर का जन्म। एक बार भगवान इंद्र और देवगुरु बृहस्पति किसी मामले में शिव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैलाश, भगवान शिव का जो निवास स्थान है, जा रहे थे। भगवान शिव त्रिकाल ज्ञानी थे, उन्हें उनके आगामी आगमन के बारे में पता था। उसने इंद्र की भक्ति का परीक्षण करने और यह जांचने के बारे में सोचा कि वह वास्तव में उसे कितना जानता है। शिव ने स्वयं को एक ऋषि का रूप दिया और इंद्र और बृहस्पति के मार्ग में बैठने के लिए चले गए। उसे देखकर सबसे पहले इंद्र ने पूछा कि वह कौन है और उससे अपने रास्ते से हटने का अनुरोध किया। शिव नहीं हिले, उन्होंने जानबूझकर इंद्र को नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि उन्होंने उनकी बात सुनी ही ना हो। इंद्र ने उन्हें बार बार रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन शिव उनकी अनदेखी करते रहे और इंद्र के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना ही शांत बैठे रहे। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने अपना वज्र निकाला और बैठे साधु पर प्रहार करने के लिए उसे उठाया। शिव ने इस हमले को रोक दिया और अपनी दिव्य शक्तियों से इंद्र को पंगु बना दिया, जिससे अंततः इंद्र का हमला निष्प्रभावी हो गया। लेकिन इंद्र ने के इस दुस्साहस ने उन्हें शिव के क्रोध का पात्र बना दिया। इसके बाद शिव की दोनों आंखें लाल हो गई, मानो यह इंद्र को डराने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने उसे नष्ट करने के लिए लगभग अपनी तीसरी आंख खोल दी थी। इसी बीच ऋषि बृहस्पति ने शिव को पहचान लिया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया और इंद्र के लिए क्षमा मांगी। बृहस्पति का शिव को शांत करने का प्रयास काम आया, लेकिन अब उनके गुस्से को कहीं और प्रसारित करने की जरूरत थी। शिव ने इसे समुद्र की ओर निर्देशित किया और अपनी तीसरी आंख से इसे देखा। उनकी दृष्टि की ऊर्जा से असुर जलंधर का जन्म हुआ। वह बाद में असुर राक्षसों का राजा बन गया। इसके अलावा वह स्वयं शिव द्वारा एक युद्ध में मारा गया था। जलंधर फिर तीसरी आंख में लौट आया, जहां से उनका जन्म हुआ था। दूसरी मान्यता है कि कामदेव को नष्ट करने का श्रेय शिव को ही जाता है। तो आइए इसके पीछे की कहानी देखते हैं। शिव के अनेक रूपों में से एक प्रमुख रूप प्रेमी पति का है। साथ ही हम सभी इस बात से भी वाकिफ हैं कि भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु कैसे हुई थी। लेकिन उनके निधन के बाद निराश शिव गमगीन हो गए थे, उदासीन हो गए थे। वह अपने आप को किसी अन्य महिला के साथ शामिल होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसलिए इस दुख से उबरने के लिए उन्होंने समाधि में जाना चुना। वर्षों बीत गए, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। इस बीच एक राक्षस तारकासुर ने खुद को बहुत बड़ा कर लिया और निर्दोषों को परेशान करना शुरू कर दिया, साथ ही देवताओं को भी हरा दिया। उनकी शक्ति का सार भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वरदान था। वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही सीमित थी। इस कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि शिव संतान प्रदान करे। इस ओर वे समस्त सांसारिक समस्याओं से रहित होकर गहन ध्यान में लीन थे। किसी के लिए भी उन्हें समाधि से जागना लगभग असंभव था। आखिरकार देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि कामदेव प्रेम देवता अपने एक पुष्प बाण से शिव पर प्रहार करेंगे,
इसके बाद यह शिव के दिल को नरम कर देगा, जिससे उन्हें फिर से प्यार हो जाएगा। कामदेव कार के खतरों से अवगत थे, फिर भी अधिक भलाई के लिए उन्होंने यह कार अपने हाथ में लिया। वह भगवान शिव के पास गए। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सुंदर स्त्री अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजर रही है। वह कोई और नहीं बल्कि देवी पार्वती थी। इसी क्षण उसने शिव के हृदय पर ऐसा प्रहार किया जिससे वह प्रेम और रोमांस से भर गया। लेकिन शिव ने अपनी भावनाओं में बदलाव देखा और अपने शरीर की बढ़ती इच्छाओं के आगे झुकने के बजाय वे क्रोधित हो गए, क्योंकि किसी ने उनके ध्यान में बाधा डाली थी। एक मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि यह कामदेव का कृत्य था। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से कामदेव की ओर देखा और इससे पहले कि कामदेव अपनी बात समझा पाते वह जल कर भस्म हो गए। कम से कम कामदेव का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके तीर से अंततः शिव और पार्वती का विवाह हुआ, जिससे अंततः भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने राक्षस तारकासुर का वध किया। धीरे धीरे शिव ने स्वयं को शांत किया। उन्होंने कामदेव की पत्नी रति की हृदय विदारक पुकार पर कान लगाया। उसकी चीख से शिव का हृदय पिघल गया। करुणावश शिव ने वादा किया कि कामदेव द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेंगे और उनका नाम प्रद्युम्न रखा जाएगा। तो आगे की वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि महादेव ने धरती पर तीसरिया कहाँ खोला और क्यों खोला, और जहाँ खोला है क्या वहाँ अभी भी वहाँ का पानी खौलता है। तो प्यारे दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजबल लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और इसी तरह आपके सामने नॉलेजबल हिस्ट्री मिस्ट्री और आध्यात्मिक बातों के साथ प्रस्तुत रहूं। और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मोहे मलंग से हमेशा जुड़े रहें, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ मैं प्रदान कर पाऊँ। हर महादेव। जय श्री राम।